तो हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल। वीडियो की स्टार्टिंग में इसकी नया मॉडल वाला वीडियो देखे, अभी डिस्प्ले पर सो रहे थे। गाइज बता दूं, ये जो नया मॉडल वाला वीडियो मैंने खुद से क्रिएट किया है, गाइज काइन मास्टर से क्रिएट करके बनाया हूँ। गाइज जो भी आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी वीडियो मैंने खुद से क्रिएट किया है। गाइज और बता दूं, अभी टिकटॉक में जो नया मॉडल वाला वीडियो का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। किसी भी टाइप का जो नया मॉडल वाला वीडियो हर एक सॉन्ग के साथ मिक्स हो जा रही है और बहुत ही ज़्यादा टिकटॉक पे वायरल भी हो जा रही है। तो मैंने को लगा, चलो यार आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीके से एक नया मॉड वीडियो को क्रिएट किया जाए, तो मैंने इस टाइप का नया मॉड वाला वीडियो को बनाया। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आप भी अगर इस वीडियो को कुछ इस टाइप से क्रिएट करके बनाते हैं गाइज, तो आपका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होने का चांस है या बहुत सारा लाइक्स फैन फॉलोअर्स आने का चांस है गाइज। तो अगर आप गाइज इस टाइप का वीडियो को बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखना और अभी से लाइक कर देना। चैनल में पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइज देर नहीं करते, वीडियो को लेता हूँ। तो गाइज सबसे पहले आपको अपना जो काइन मास्टर के एप्लीकेशन पे आ जाना है। उसके बाद आने के बाद गाइज ध्यान से देखना गाइज वीडियो को, ये जो प्लस वाला आइकन है इसको टच करना गाइज। और टच करने के बाद गाइज यहाँ जो 16:9 का जो रेशियो है इसको सेलेक्ट कर लेना। और इसको सेलेक्ट करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर जो मीडिया वाला फाइल है इस पर जाना है गाइज। यहाँ बैकग्राउंड पे जाना, आप कोई भी एक कलर का बैकग्राउंड को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं गाइज। तो यहाँ पर आप नॉर्मल से मैं येलो कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गाइज यहाँ पर इसको खींच के थोड़ा लेंथ को लंबी कर लेना, लगभग 10 से 11 सेकंड की। और उसके बाद गाइज यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पे जाना, मीडिया वाले ऑप्शन पे जाना। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा जो कि मैंने बनाया था, उसका लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है। तो इसको डाउनलोड करके यहाँ इंपोर्ट कर लेना। तो गाइज जैसे कि मैंने इंपोर्ट कर ली है, आप देख सकते हैं थोड़ी यहाँ पर लेंथ लंबी लग रही है बैकग्राउंड की, तो इसको कट आउट कर लेना इस टाइप से। उसके बाद गाइज इसको टच करना और यहाँ पर जो कैंची के बगल में साइड में बॉक्स वाला था निशान गाइज, ये कैंची के साइड में इसको टच करना और यहाँ फुल स्क्रीन कर लेना। फुल स्क्रीन करने के बाद गाइज आपको बेसिकली करना क्या है कि इस वीडियो को टच करना और यहाँ पर जो क्रोमा की का ऑप्शन है इसको जाकर इनबेल कर देना। उसके बाद गाइज यहाँ पर डालना और यहाँ पर गाइज जाने के बाद इसको ग्रीन कलर का की सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद गाइज इसको अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद गाइज कुछ इस टाइप से दिखेगा येलो येलो। तो अब आपको इसमें अपना फोटो या अपना गर्लफ्रेंड का फोटो, जिसका भी फोटो मैक्सिमम चार फोटो को ऐड करके इसमें बना सकते हैं इस वीडियो को। तो मैंने गाइज यहाँ पर चार फोटो का ही ऑप्शन डाला था, तो यहाँ पर चार फोटो, तो मैं खुद का ही चार फोटो डाल के दिखाता हूँ गाइज। या लेयर वाला ऑप्शन में जाना, मीडिया वाला ऑप्शन में जाना और यहाँ पर कोई भी मैं अपना ही एक दो फोटो ले लेता हूँ, ये एक ले लेता हूँ। तो गाइज पहला फोटो कुछ इस टाइप से लेने के बाद इसको कुछ इस सेंटर में ले आना और लाने के बाद गाइज यहाँ थोड़ा जूम करना इसको खींच के, उसके बाद 3 डॉट पे जाना और सेंड टू बैक कर देना। उसके बाद गाइज थोड़ा वीडियो को आगे स्लाइड करना और यहाँ पर अच्छी तरीके से खींच के इसको एडजस्ट कर लेना। ये हो गया गाइज। और इस वीडियो को मतलब इस फोटो को कितना दूर तक इसका लेंथ रखना है ध्यान देना गाइज, ये थोड़ा आगे जाते जाते ये इतना दूर, यहाँ जब ख़त्म हो जा रहा है गाइज तो आपको इतना ही रखना है वीडियो फोटो को, सॉरी इतना रखना है इसको। उसके बाद कैची वाला ऑप्शन में जाना, ट्रिम टू राइट प्लेट कर देना। फिर इसी जगह से आपको लेयर को हिलाना नहीं है गाइज, इसी जगह को रखना है। फिर से लेयर वाला ऑप्शन पे जाना और मीडिया वाला ऑप्शन पे जाना और दूसरा कोई एक फ़ोटो को ले लेना। तो बेसिकली मैं और एक फ़ोटो को ले लेता हूँ, ये वाली। तो ये वाले लेने के बाद गाइज इसको यहाँ से खींच के इसे लंबा कर देता हूँ। इसका 3 डॉट पर टच करके सेंड टू बैक कर देना इस स्टेप से। फिर इसको आगे इस स्टेप से स्लाइड करना और इसको भी इस स्टेप से एडजस्ट कर लेना यहाँ खींच के। तो इस टाइप से एडजस्ट करने के बाद गाइज यहाँ बेसिकली एक फ़ोटो अपना लवर का भी डाल सकते हैं, अपना गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का, ठीक से। और इसको इस टाइप से स्लाइड करने के बाद आगे जाते जाते गाइज जितना टाइम तक ये है बस यहीं पर आपको इसको कट करना है या स्टॉप करना, कैची वाला ऑप्शन में जाना, ट्रिम टू राइट कर देना। फिर गाइज आपको लेयर वाला ऑप्शन में जाना, मीडिया वाला ऑप्शन में जाना, फिर से आपको फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइज मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद गाइज यहाँ वीडियो को मैं सॉरी फोटो को ले आता हूँ गाइज, इसको 3 डॉट पर टच करके डुप्लीकेट सॉरी सेंड टू बैक कर देना। बैक करने के बाद गाइज इसको ऐसे जूम कर लेना और इसकी लेंथ को भी उतना ही रखना, इसके जहाँ तक आ रहा है और यहाँ तक। उसके बाद गाइज जहाँ से हट रहा है वहाँ से आपको फिर से इसको कट कर, यहाँ तक आ रही है तो इसको यहाँ स्टॉप करना, कैची वाला ऑप्शन पर जाके ट्रिम टू राइट कर देना। उसके बाद लेयर वाला ऑप्शन पर जाना, मीडिया वाला ऑप्शन पर जाना, फिर से सेम चीज़ आपको वैसे ही कर लेनी है। तो मैं फिर से वही फ़ोटो को एक इंपोर्ट कर लेता हूँ गाइज और इसको यहाँ कैची वाला ऑप्शन पे जाके कट कर लेता हूँ। उसके बाद गाइज इसको इस सेंटर में ला के इसको जूम करके ऐसे 3 डॉट पर टच करके सेंड टू बैक कर देता हूँ और इसको अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये तो हो गया गाइज मेरा फ़ोटो वाला काम।
और इसके बाद गाइस यहाँ पर नेम आर्ट करने के लिए लेयर वाले ऑप्शन पे जाना, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना, और यहाँ पर आप नॉर्मली से किसी का पूरा नाम भी लिख सकते हैं या तो लेटर का फर्स्ट वर्ड भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ बी। यहाँ पर कोई एमओजी सेक्शन में जाके अच्छे तरीके से एक एमओजी दे देना, जैसे मैं हार्ट वाला एमओजी देता हूँ। उसके बाद गाइस ये या यहाँ पर बहुत सारा हार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, ये दे देता हूँ गाइज, और यहाँ पर आर दे देता हूँ। उसके बाद गाइज नॉर्मली से इसको खींच के स्टेप से बड़ा करके और यहाँ जो फॉन्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है इसको जाके और यहाँ से अच्छे वाला कोई भी फॉन्ट को ले सकते हैं, तो इसको ले लेता हूँ गाइज, ये दिखने में भी अच्छा लग रहा है। और इसको जाके गाइज इसका कलर को चेंज कर सकते हैं यहाँ से, या इसका इस कलर को ले सकते हैं, जो भी कलर आपको अच्छा लग रहा है उस हिसाब से ले लेना गाइज, और यहाँ स्टेप से सेट कर लेना उसको गाइज, स्टेप से खींच कर लेना, उसको लंबी कर लेना और इसको स्टेप से। तो वीडियो को मैंने फाइनली यहाँ से इसकी जो सॉरी यहाँ जो आप टेक्स्ट डाल इसका इन एनिमेशन डाल देना फेड वाइज ताकि ये सही लगे, और वीडियो को फाइनली प्ले करके दिखा दूँ तो कुछ इस टाइप से वीडियो लगेगा। तो यहाँ पर एक फ़ोटो अपना और एक फ़ोटो अपना लवर का डालते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा गाइज, और नाम भी अपना खुद का डाल देते पूरी तरह तो अच्छा लगेगा, और खुद से कुछ इंप्लीमेंट करना चाहते, खुद से कुछ नामों में ऐड करना चाहते तो कर सकते अपने अनुसार। तो इतना होने के बाद शेयर वाला ऑप्शन में जाना और वीडियो को लेना, एक्सपोर्ट टिकटॉक पर कर देना। तो गाइज बहुत ही ज़्यादा ये अभी नया मार्ट वाला वीडियो चल रही है, तो आई होप आपका वीडियो वायरल हो जाए या तो बहुत सारा लाइक फन फॉलो आ जाए। तो वीडियो पर अगर अच्छी लगे समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंडों के साथ, हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए गाइस मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय।